हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। देखिए, जैसे कि फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिजाइनर कपड़ों की, तो यहां पर मैं कुछ ऐसा डिजाइन आपको बताने वाली हूं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। आपने भी देखा होगा कि अभी जो श्रग डिजाइन है, जो श्रग वाला पैटर्न है, वो हर ड्रेस के साथ चल रहा है और ये हर ड्रेस के साथ सेट भी हो जाता है। आप हर एज वाले आप इसे पहन सकते हैं, जो भी एज हो ना, वो कोई भी इस ड्रेस को पहन सकता है। और श्रग आजकल चाहे वो धोती पैंट हो, चाहे वो रैप स्कर्ट हो, या प्लाजो के साथ सेट हो, या फिर साड़ी के साथ हो, सबके साथ ये बहुत अच्छे से मैच हो जाता है। और श्रग भी बहुत सारे डिजाइन में आजकल आने लगे हैं, चाहे वो जैकेट स्टाइल हो, लेयर वाला हो, या फिर किमोनो स्टाइल हो, बहुत सारे पैटर्न इसमें चलने लगे हैं। तो आज मैं आपको कुछ न्यू लुक के, न्यू डिजाइन के श्रग ऐसे बताने वाली हूँ जिसे आप अपने किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला पिक जो है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने एक ए लाइन कुर्ती बनाई है जिसमें नीचे फ्रिल बनाई है। तो खाली कुर्ती ही अगर आप सिंपल पहनेंगे तो वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उसके ऊपर मैंने जो श्रग बनाया है वो है वन शोल्डर श्रग। ये श्रग बनाना बहुत इजी है और इस श्रग को मैंने आपको पहले भी इसका पिक वगैरह दिखाया है कि इसे, मतलब ये साड़ी के ऊपर भी इतना अच्छा लग रहा था। और इस श्रग को आप किसी भी दुपट्टे से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 मीटर लेस लगानी है हमें, इसमें फ्रंट में ही लेस लगानी है और साइड में आप देख सकते हैं ये टसल्स ऐड करने हैं, जिससे इसका लुक अमेजिंग आ गया है। और अगर आप इसे चुनरी वाले कपड़े से बनाते हैं तो आप इसे बहुत सारे कलर के सूट पर भी पहन सकते हैं। तो ये जो श्रग है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया। इसे आप, है ना, अगर आपके पास प्लाजो और टॉप है तो उसके ऊपर भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि वन शोल्डर श्रग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो ये वीडियो कृष्णा क्रिएशन चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप इसे बना लेंगे, ये इतना ईजी है श्रग को बनाना। और नेक्स्ट जो पिक मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि मतलब इसमें एक टॉप है और नीचे धोती स्कर्ट है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो अपर पार्ट है ना, वहां पर लेस लगाई गई है। सिर्फ बीच में जो आपका क्रॉप टॉप होगा उसका डिजाइन दिखेगा और एक वी नेक बनेगा और वहां आप वेस्ट पर एक हुक लगा लेंगे तो बहुत अच्छा फ्लोइंग लुक आएगा इसका, और नेक पर ये बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, स्कर्ट आपको सिंपल प्लेन फैब्रिक की बनानी है और टॉप में आप चाहें तो वही प्लेन फैब्रिक का टॉप क्रॉप टॉप बनाइए, बीच में एक बूटा लगाइए और उसके जैसा प्रिंटेड आप एक फैब्रिक लीजिए और इस तरह का श्रग बनाइए। और एक धोती स्कर्ट, क्रॉप टॉप और श्रग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आप चाहें तो वहां से भी इसे बनाना सीख सकते हैं, विदाउट डमी के आप रैप स्कर्ट बनाना सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट पिक भी जो है वो है धोती सलवार। और धोती सलवार तो वैसे भी आप किसी भी कुर्ती के नीचे भी पहनते हैं तो भी उसका लुक अमेजिंग आता है। यहाँ पर आपको क्रॉप टॉप लेना है धोती सलवार के साथ और एक सिंपल जैकेट स्टाइल श्रग लेना है। टीनेज वाली जो बच्चियां हैं ना, उनके लिए ये एक परफेक्ट और कम्फर्टेबल ड्रेस है जिसे पहनकर वो इजीली कुछ भी कर सकती हैं। और नेक्स्ट जो पिक है वो मेरे फ्रंट पिक वाले से ही इंस्पायर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बता रही थी, क्रॉप टॉप, धोती स्कर्ट और उसके साथ जो श्रग है, श्रग में आपको इसका जो फ्रंट लाइन है ना, वहां पर बॉर्डर अटैच करना है। तो आप इस तरह हैवी बॉर्डर लगाएंगे तो आपकी एक हैवी ड्रेस रेडी हो जाएगी। सिंपल बॉर्डर लगाएंगे तो वो उस, मतलब ओकेजन वाइज आप लेस का यूज कर सकते हैं उसते हैं। और आजकल जो ये वाला श्रग है ना, जिसमें स्लीव्स नहीं बनाई जाती है, ये उसी में से आर्म होल कट किया जाता है जो आपका फैब्रिक है। तो ये वाला स्टाइल बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, आप एक बार इसे जरूर बनवाइएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पिक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको एक प्लाजो पैंट और क्रॉप टॉप लेना है। आप दुपट्टे से भी आप इसे बना सकती हैं। तो ये ड्रेस आपको ना रीजनेबल भी पड़ेगी, क्योंकि आप एक प्लेन फैब्रिक से अंदर वाला ड्रेस रेडी करा लीजिए, प्लाजो पैंट और क्रॉप टॉप, और उसके साथ जो दुपट्टा या चिकन का कपड़ा या जो ऐसा कपड़ा जो हल्का ट्रांसपेरेंट हो, एकदम फुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो, थोड़ा वर्क वाला हो, तो उससे आप ये श्रग बनाएंगी ना, पूरी ड्रेस बहुत ही अच्छा लुक देगी। और ये वाली ड्रेस है ना, ज्यादातर गर्ल्स के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट जो पिक है वो स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप है और यहाँ पर किमोनो स्टाइल का श्रग है। और ये श्रग जो है वो सिफोन या जॉर्जेट टाइप का आप फैब्रिक ले सकते हैं, पॉलिस्टर भी ले सकते हैं। इस टाइप के प्रिंटेड फैब्रिक बहुत अमेजिंग डिजाइन में भी आते हैं। तो इस तरह का आप डिजाइन लेंगे ना, आपकी जो प्लेन स्कर्ट है उसके ऊपर इसका प्रिंटेड फैब्रिक का लुक बहुत अमेजिंग आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें ना एक प्लेन फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक और आपको लेनी है लेस, है ना। आप ये पूरी नेट भी ले सकती हैं या पूरा आप सिफोन का कपड़ा भी ले सकती हैं 6-7 मीटर, तो उससे क्या होगा आपकी स्कर्ट में अच्छा सा गैदर आ जाएगा। बेल्ट पे भी आप वही लेस लगवा लीजिए, और क्रॉप टॉप भी प्लेन है, क्रॉप टॉप पर भी वही लेस लगवा लीजिए। प्लस जो आप जॉर्जेट सिफोन जो भी प्लेन फैब्रिक लेती है ना, ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है, तो देखिए इसका लुक कितना अमेजिंग आया है। आपको है ना शर्ट के ऊपर लेस लगानी है पूरे फ्रंट लाइन पर, पीछे से आपको कुछ भी नहीं लगाना है, पूरा लगदक नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट लाइन पर लेस लगानी है। तो यहाँ 1.5 या 2 मीटर में आपका श्रग में लेस लग के रेडी हो जाएगी, और देखिए इसका लुक कितना अमेजिंग आएगा। अगर आप चाहें तो इसे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी रेडी करा सकती हैं, और ये दिवाली आउटफिट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। नेक्स्ट पिक भी इसी तरह का है, आपको प्लेन फैब्रिक से स्कर्ट बनवानी है, और जो डार्क कलर होते हैं ना वो फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा रिच लुक देते हैं, तो आप थोड़ा सा कलर के ऊपर भी वर्क कीजिएगा। अगर आप कलर लेंगी थोड़े से अच्छे, थोड़े से मेटेलिक कलर लेंगी, तो जो नवरात्रि और दिवाली का सीजन है उसमें आपकी जो ड्रेस है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पर देखिए ये जो श्रग है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, मतलब ये एक जैकेट स्टाइल होते हैं। इस जैकेट स्टाइल की खूबसूरती इस बात में है कि आप इसे किसी भी प्लेन सूट पर भी पहन सकते हैं, आप इसे साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, और लहंगे के साथ तो आप इसका पिक देख ही रहे हैं, सब पर ये अमेजिंग लुक लाता है। अब नेक्स्ट पिक जो आप में देख रहे हैं ना, इसमें देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि लहंगा प्लेन होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी हैवी या रिच लुक चाहिए ना, उसमें आप इस तरह का ड्रेस बनवा सकती हैं। यहाँ पर जो लहंगा है वो हैवी वर्क में है, तो आप अपने ना शादी का लहंगा हो ना, अगर आपका जो आपका बिल्कुल पहनने में नहीं आ रहा है, या ब्लाउज छोटा हो रहा है, या चुनरी उसकी अच्छी नहीं लग रही है, तो उस लहंगे को आप तो उस लहंगे को आप इस तरह से दोबारा से अपनी दिवाली पर पहन सकती हैं। देखिए इसमें लहंगा तो पूरा रिच है, लेकिन उसके साथ आप प्लेन फैब्रिक लीजिए और उसका इस तरह श्रग और ब्लाउज बनवाइए। ब्लाउज आप क्रॉप टॉप में भी ले सकती हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो पहनने में। तो यहाँ पर आपके शादी के लहंगे का ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे इस तरह से दोबारा से पहन सकती हैं। अब ये वाला डिज़ाइन है, मुझे ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये ना आप टाइट फिटिंग की अगर टी शर्ट पहनते हैं जीन्स के साथ, तो काफ़ी लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, या वो थोड़े से प्लस साइज होते हैं तो उतना कम्फर्टली नहीं पहन पाते हैं। मैं भी नहीं पहन पाती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर इस तरह का श्रग बहुत अच्छा लगता है। इसे आप सूट के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है पहनने में, और कॉन्फिडेंस भी आता है। इस तरह की ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये मैं काफ़ी पहले से देखती आ रही हूँ, ये वाला डिज़ाइन, और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी इस तरह का एक श्रग बनाया था, सूट के ऊपर बनाया था, और प्लेन सूट था मेरा। यहाँ पर प्लेन लहंगा है, क्रॉप टॉप है, लेकिन चुनरी आपको हैवी मटेरियल की लेनी है, जो अभी दिवाली के टाइम पे इस तरह का मटेरियल आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जॉर्जेट वगैरह पर लेना है, मतलब सॉफ्ट फैब्रिक पर लेना है, जिससे कि इसका लुक अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरी ड्रेस का लुक ही रिच इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका श्रग अच्छे मटेरियल का है। अब नेक्स्ट पिक है जो है लेयर वाला श्रग। लेयर वाला श्रग तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, और ये वाला श्रग ज़्यादातर आप प्लाजो पैंट या कुर्ती के ऊपर पहनेंगी, या जीन्स वगैरह के ऊपर पहनेंगी, तो उसका बहुत अच्छा लुक आएगा। जैसे कि वो आलिया भट्ट वाली पिक्चर में जब से उसने ये वाला श्रग पहना है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसे आप चाहें तो एक साड़ी से भी बना सकती हैं, और इस तरह की आप चाहें तो ना 2-in-1 ड्रेस बना सकती हैं। मैंने इस तरह का श्रग नहीं बनाया है, मैंने पूरी कुर्ती बनाई थी, जिसे हम फ्रंट से अगर बटन लगाकर बंद कर लें तो वो एज ए कुर्ती पहन लो, और आप उसे ओपन कर लो तो एज ए श्रग पहन लो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की 2 श्रग बनाए थे, लेकिन दोनों मैंने इस तरह से बनाए थे कि वो एज ए श्रग और एज ए कुर्ती दोनों तरह से यूज हो जाए। और लास्ट जो पिक मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी कुर्ती के ऊपर श्रग है। यहाँ पर आप चाहें तो आपकी जो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास साड़ी इस तरह की होती है जिसका पल्ला प्लेन होता है, अंदर 2 कलर होते हैं, साड़ी में से आप इस तरह श्रग बना सकते हैं। प्लेन फैब्रिक की आपको कुर्ती या जो भी ड्रेस है वो आप प्लेन फैब्रिक का बना लें, और जो साड़ी है आपकी उस तरह का आप ये लेयर वाला श्रग बना सकते हैं। ऊपर की साइड से आपको स्लीव्स वगैरह अटैच करनी है, तो ये जैकेट स्टाइल का श्रग भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कुछ डिजाइन थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और इसमें आप है ना स्लीवलेस ड्रेस भी अगर पहनना चाहें तो एक श्रग के साथ आप उसे इजीली पहन सकते हैं। तो मुझे तो ये सारे डिजाइन बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपको इसमें से कौन सा डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट में आप सजेस्ट कीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस फेस्टिव सीजन में।
तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।